स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है माय ट्यूब चैनल फार्मा स्टडी में। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं डी फार्म सेकंड ईयर का फार्माकोथेरापेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो फाइनल ईयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है, सेशनल के लिए भी इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से आपका डी फार्म आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चंस नंबर वन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के कौन से टाइप्स हैं, उसके सिम्टम्स और पैथोफिजियोलॉजी बताने का, किस तरह से डिसीज होती है। क्वेश्चन नंबर टू है, डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट्स एंड इटियोलॉजीज ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के कॉजेस वगैरह बताने के, आपको कैसा होता है, एनसेड वगैरह नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर टू है, राइट द डिटेल्स अबाउट पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज कैसी होती है वो बताने का है आपको। फिर शॉर्ट नोट ऑन साइकोसिस, साइकोसिस के बारे में शॉर्ट नोट लिखने का है। फिर बी ए एंजाइटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी बताने का है। फिर एक्सप्लेन द सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। फिर एट नंबर क्वेश्चन से टॉपिक है कुछ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड ग्लूकोमा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अपॉर्चुनिटिक डिसऑर्डर। अपॉर्चुनिटिक डिसऑर्डर क्या है उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर टेन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर एलेवन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है या हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, ये ग्लैंड्स के अंदर दो ही चैप्टर है, इसके दो ही टॉपिक है, ये पढ़ लेना, इसमें भी इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चंस नंबर 11 है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या होता है वो बताने का आपको। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, ये एपिलेप्सी पूछ सकता है आपको 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चंस नंबर 15 है, राइट अ नोट ऑन इटियोलॉजीज ऑफ अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर डिसीज कैसा होता है वो बताने का है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रोक, स्ट्रोक के बारे में बताने का है। व्हाट इज डिमेंशिया, डिमेंशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताने का है, ड्रग्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मलेरिया। मलेरिया के बारे में भी मोस्ट इंपॉर्टेंस है कि पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन निमोनिया। निमोनिया कौन सी बीमारी, किस तरह से होती है बताने का। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।